सुंदर थी, बिल्कुल सुंदर सुंदर सी सुबह नए घर पे, पहली मॉर्निंग। मामी गुड मॉर्निंग, आप पीछे देख सकते हैं टेकरी, गुड मॉर्निंग भोलेनाथ का मंदिर, पीछे काली बड़ी। अभी तो काम चल रहा है, वो पड़े हुए हैं बिस्तर में, देखो छत पे संदीप भैया सो रहे हैं छत पे। इतनी प्यारी सुबह हमारे घर में, सपना था हम लोगों का, मतलब शुरू से अभी तक का। अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर नहीं आ पाई है, नहीं तो हम चारों भाई बहन का हम कहीं पर, मतलब हमने एक ऐसा सपना पूरा हुआ है ना कि हम बता ही नहीं सकते। हम लोगों का खुद का घर, हालांकि था हम लोगों का एक घर, हमने लिया हुआ था वो, लेकिन हमें पसंद नहीं था, वो वहाँ पर पसंद नहीं था, लेकिन फिर ये अभी यहाँ पर बना है क्योंकि इस जगह की बात ही कुछ और है। जहाँ पहले लिया था वहाँ पर ये सब नहीं था। हम लोग शुरू से, हमारा बचपन मतलब बीता है जब, मतलब मैं समझ लो 6 या 7 साल की थी जब मेरे पापा यहाँ पर आए थे, ट्रांसफर हुआ था नोट प्रेस पे सर्विस के लिए, ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ हाँ, तो फिर काम पे भी तो आए थे यहीं पर ही, फिर जब से हम लोग यहाँ पर ही, मेरी शादी भी नोट प्रेस में हुई है, 50 साल की नहीं हुई मैं, और बीच बीच में मत बोले, आज भुलवा दिया ना मुझे, मैं क्या बोल रही थी। तो आज मतलब हम लोगों का पूरा बचपन, पढ़ाई लिखाई, शादी तक हमारी वेंगनोट प्रेस से हुई है, तो यहाँ से बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई हैं हम लोगों की। और इतना अच्छा लग रहा है यहीं पास रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आज की सुबह की तो बात ही कुछ और है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं भवानी माता का दर्शन, तुलजा माता का दर्शन, टेकरी निवासी, और उसी के साथ साथ आप इधर भी देखेंगे छत पे से भोलेनाथ का मंदिर, सती माता का मंदिर, और फिर इधर जाते हैं अपन तो अपनों को दिखेगी काली बाड़ी, काली जी का मंदिर देख सकते हैं आप। पंडित जी जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा प्यार प्यारा सा व्यू है। पहले दिन की सुबह हमारे मकान में, हमारे घर में, इधर जाएंगे तो ये दिखेगा आपको नोट प्रेस, देखिए आपको सड़क, ये बैंक नोट प्रेस की है, तो पूरा यहाँ से तो इधर बाउंड्री बहुत अंदर तक है, शुरुआत है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सपनों का, मतलब सपनों की सुबह हुई है हमारे, देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है। वास्तु दोष की पूजा शुरू हो गई है घर में, और मतलब मैं थोड़ा नीचे लेट उतरी तो मतलब स्टार्ट तो हो ही गई थी पूजा, और देखिए आप मैंने पूरा शूट नहीं कर पाई शुरुआत से। अब यहाँ पे मैं कलश पूजा कर रही हूँ, कलश की पूजा होगी, कुल कलश पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, और यहाँ पीहू जिद कर रही है कि बुआ वीडियो स्टार्ट करके दो, मोबाइल हाथ में देकर ले गई मोबाइल वो, मामी पानी नहीं पिलाया। देख सकते हैं आपको कलश सजा रही हूँ आम के पत्तों से, इतनी खुशी हो रही है ना कि आप देख सकते हो मेरे चेहरे से खुशी का एहसास हो रहा होगा। जाना है, को भी जाना है, नहीं जाना है, चलो जल्दी है जल्दी।
थाली को ले जाएंगे। यहाँ पर ग्रह प्रवेश की पूजा की जा रही है, ग्रह प्रवेश किया जाएगा, पंडित जी वही पूजा करवा रहे हैं। और घर से थोड़ा सा बाहर उन्होंने भेजा था कि आप चल के कलश लेके घर के अंदर प्रवेश कीजिए, तो ये वही पूजा हो रही है घर में। और भाई भाभी मम्मी पापा आ रहे हैं कलश लेके और बहुत खुशी हो रही है। भाई खड़ा है छोटा, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, पीछे मैं भी हूँ, मम्मी का कलश थोड़ा पकड़ा हुआ है। यहाँ पर कलश पूजन किया जा रहा है, देली की पूजा करवाई जा रही है। इसके बाद होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रस्म जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब घर में जो कन्या होती है ना उनका पूजन किया जाएगा, तो वो तो मुझे बड़ा मज़ा आया पूजन करवाने में। ख़ासतौर पे मेरे भाई से करवाई है मैंने, अभी आप भी देखिएगा आगे कितनी मस्ती हुई, कितना अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा था। देखते हैं, देली पूजा हो रही है अभी, तो इसके बाद होगी कन्या पूजा। सबसे पहले हो रही है पीहू की पूजा, जो कि मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, उसका पूजन किया गया। फिर सीधा पैर लेके उसको बोला गया कि अंदर जाओ। फिर छोटी वाली भतीजी जो कि अभी हुई है उसकी पूजा हो रही है। फिर उसके बाद होगी मामा की बेटी की पूजा। ये मेरी पूजा करेगा मेरा भाई, ये मेरे भाई को मैं परेशान कर रही हूँ कि मेरे को तो नेक ज्यादा देना करके क्या? तो बात नहीं सुन रहा था, एक्टिंग कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। अभी आएगी मामा की बेटी, मैं जा रही थी, फिर मेरा बच्ची पहले वो कन्या माता है, तो फिर उसको बोला कि आप पहले उनकी कर दो। मुझे 10 कानून मत देना, खड़े हो जाओ बेटा, इधर खड़ी हो। हाँ बस खड़े हो जाओ। आज यो बात चला लगा में के हरियाम तो प्राइमरी ज्ञान के आत्मा सर प्राइमरी सर्वांगी सुख नानमा शुद्ध वाला सीता पाद ने शुद्ध जल स्नान समर्पया में गंतव्य ले प्यारे ये मंत्र में निंदान कुछ पानी समर्पया में लो बाबू छिड़वाओ पुष्प एक मंत्र में निंदान कुछ पानी समर्पया में माल्या देने सुगंध ले माल्य तरह में पे मैं दान कुछ पानी पूजार्था प्रति की ताम कुछ माल्य का सर्पा में स्थापित देव तक निम्न मान जान नारद 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 के दान कुछ पानी समर्पया में कन्या पूजनार्थ। अब आएंगे हम, अब है हमारी बारी। अच्छा सुबह ये बात, खुश रहे खुश रहे। चरण वक्षाला अर्थ एक तंत्र नाने कुछ पानी समर्पण चलो माता जी बिंदी लगाओ जी। देखो संदीप की तरफ से आई है। ये पंडित जी का भी मेरा है क्या? ये आप भी सीधा पाओ करके आगे बढ़ो, बढ़ो यहाँ से आगे मत चलो। ब्राह्मण तिलकम नमो ब्राह्मण देवाय। अब आएंगे संदीप भाई जो कि मेरा सबसे छोटा भाई है, वो पूजा करने के लिए आया है। संदीप पूजा करेगा। जब बोलूंगा तो माता जी पहले भाभी आप पहनाना और माता जी आप पहनाना, बाद में आप दोनों पहनाएंगे ठीक है। हरे अम्मा सर मंगल मांगल त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु पहनाइए माता जी। चलिए हरे अम्मा ओम शेषते लक्ष्मी आतंबान्य निगाड़ा ओम मे कर्ण त्रलोकम मे खाड़ करो। अब यहाँ पे से भैया आप स्टील का कलश भाभी के चलो आओ माता जी आ जाओ। बाऊजी रखो कलश, रखो सिर के ऊपर लाइन वाला।
रखो हाँ भैया आओ जरा रखो, पहले अपन माता जी को प्रवेश करवा देते हैं ठीक है। चलो माता जी आओ, माता जी को पहले यहाँ पे से आओ, लाओ पाओ आगे। हरे अम्मा जयंती मंगला काले भद्र काले कृपालने दुर्गा। अब पंडित जी ने बोला है कि हमारे घर की लक्ष्मी पहला कदम घर में सीधा लेकर अंदर जाए, जो कि हमारी मम्मी अंदर जा चुकी हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियां भरी है। उनके होने से ही मतलब हमारा जीवन ही सुखों से भरा हुआ है। बस अब आएगी पागल मतलब मेरी भाभी पगली भाभी अंदर, नहीं ऐसा नहीं बोलूँ मेरी भाभी। अब इसके बाद बहुत ही शानदार सी रस्म, पंडित जी ने बोला कि अपने पति से नेक मांगो। मेरी मम्मी मेरे पापा से देखना क्या नेक मांग रही है ना, देखना। अब आपको देना इनका हाथ, अब माता जी को मांगना मांगो। अब भैया ये देना ही पड़ेगा वो जी आपको। मम्मी मम्मी इनका नेक है, मम्मी मांग लो माता जी बिल्कुल। क्या चाहिए नेक में? सोना के कड़े चाहिए मेरा। मम्मी की फरमाइश में तो 500 रुपए में ही रह गए। अंकिता तू क्या सोच रही, क्या मांगेगी? चलो जल्दी जल्दी सामने से उतार, पीछे से उतार। बोल तुझे क्या चाहिए, मांग मांग, क्या मांग रही जल्दी बोल। ओ पंडित जी चेन वाला मंगलसूत, छोटा चेन वाला मंगलसूत बनवा देना ठीक है। 60,000 का बन रहा, सिर्फ ज्यादा का नहीं है। ओ यार अरे यार उनका है, देना पड़ेगा। 60,000 का बन रहा, बनवा देना ठीक ठीक है। हाँ अब यहाँ पर परेशान किया जा रहा है हमारे मामा जी को, जो कि हम तीनों भाई बहन, अभी शिखा नहीं है, छोटी वाली एक और बहन मेरी, मैं सबसे बड़ी, उसके बाद शिखा है, फिर रवि है, फिर सबसे छोटा संदीप है। तो मामा जी को परेशान किया जा रहा है, उनसे नेक मांगा जा रहा है तिलक लगा के। हालांकि मैं मेरा नेक मामा से पहले ही ले चुकी थी, 1,000 रुपए आते ही ले लिए थे मैंने। हाँ निकाल रहे तो मुझे ट्रांसफर करवा थे पैसे, वो मेरा फोन पे चल नहीं रहा था तो मैंने मामा से ट्रांसफर करवा दिए थे, फिर मैंने उनको पैसे रिटर्न भी नहीं किए, मतलब ये मेरा नेक हो गया। तो बहुत मस्ती की मामा से, मामा को भी परेशान किया है, देख सकते हैं आप। मामा दो, चुप रहो बहन, अरे मामा दक्षिणा दो, नहीं मामा दक्षिणा दे, मामा दक्षिणा देंगे, दक्षिणा मामा देंगे दक्षिणा। ये देखो ये दोनों भाइयों को, ये मामा की तरफ से, मामा की तरफ से, मामा की तरफ से मिलेगी दक्षिणा। चलो मामा जल्दी दे दो, मामा मामा दो फटाफट दो, मामा दो। हमारे मामा बैंक में मैनेजर हैं, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हैं, इंदौर ब्रांच में। ये हमारे मामा हैं, और मामा ने दक्षिणा आप बच्चे नहीं रही है मामा, बांटने वाले, बांटने वाले बच्चे नहीं है वो। अब मैं लगा रही हूँ डेली में तोरण, जो कि आम के पत्तों का है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं फूलों की माला भी लगाऊंगी अभी, मतलब ये तो सिर्फ वास्तु की पूजा दिखाई है मैंने आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं पूरी सत्यनारायण की और वो रात में सुंदरकांड भी हुआ था वो दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं पार्ट में दिखाऊंगी आपको। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, सेकंड पार्ट भी